बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई की रेसिपी, तो इसे फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे 1/2 kg टमाटर स्लाइस में काटेंगे इसे। एक पैन में डालेंगे और इसके अलावा इसमें जाएगी 1 प्याज स्लाइस में कटी हुई। अच्छा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, लेकिन इससे बहुत अच्छा सा मसाला बन जाता है, ग्रेवी टाइप लुक आ जाती है कढ़ाई में। तो ये ऑप्शनल है, रेसिपी में शामिल नहीं है। इन दोनों चीज़ों को हम बिल्कुल स्लो आंच पे कवर करके पकाएंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट में टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर हम इसे स्पून की मदद से मैश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो मैशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी अच्छा ये मैश हो जाता है। ये तैयार हो चुका है, इसे साइड में रखेंगे। और अभी कढ़ाई में 1/2 कप ऑयल लेना है और उसमें सबसे पहले हम डालेंगे चिकन 1/2 kg। इसे थोड़ा फ्राई करेंगे कलर चेंज हो जाने तक। फिर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। और इसके बाद हम इसे भूनेंगे। चिली फ्लेक्स चाहेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर जाए 1 टीस्पून, और इसके अलावा इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून। मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसे फिर से हम भूनेंगे। मसाला अच्छे तरीके से इसमें लग जाए तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर वाला मिक्स, जो हमने पहले बना के रखा हुआ था। इसे ऐड करेंगे और हम इसे इसके साथ भूनेंगे। इसमें अभी तक हमने पानी ऐड नहीं किया है। इसके साथ अच्छे तरीके से हम भुनेंगे और टमाटरों का अपना पानी रिलीज़ होगा और गोश्त का। उसके कुछ देर भुनाई के बाद ऐसे ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस 1 टेबल स्पून, और इसके साथ इसमें जाएगी वाइट पेपर पाउडर, ये सफ़ेद दखनी मिर्च 1/2 टीस्पून, और इसके अलावा इसके अंदर जाएगी कसूरी मेथी 1 टीस्पून। इसकी डंडियाँ वगैरह सब निकाल दी हैं और इसे हमने हाथों से रगड़ के शामिल करना है इस तरह से। और इसके अंदर जाएंगी हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, साबित ली हैं, चाहे तो आप इसके बीच में कट लगा सकते हैं। इस दफ़े से हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप पानी और इसे ढक के पकाना है 10 to 15 मिनट्स बिल्कुल स्लो आंच पे। डिश आउट करने के बाद इसकी ये लुक आई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए।